अभी जिस मेले में आई हूँ वो है मजर शरीफ का मेला और ये रानीगंज में लगा है। ये एक्चुअली रानीगंज का एक पीर बाबा का मेला है। तो यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम आई हूँ और यहाँ पे काफी सारे मतलब पूजा के सामान और मतलब यहाँ पर खाने के सामान ये सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो मेला है 28 तारीख तक चलेगा, 17 तारीख से लगा हुआ है। अगर आपको आना है तो आकर यहाँ पर बिल्कुल घूम सकते हैं। तो फिर चलिए मेले को दिखाते हैं अच्छे से आपको। तो ये है मजर शरीफ का मेला। तो सबसे पहले मैं मेला को दिखाती हूँ जहाँ एक्चुअल मेला लगा हुआ है। तो ये जो है ये रास्ता है ये, और इस रास्ते में बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है एक के बाद एक खाने का, और बहुत सारे अच्छे अच्छे घर के सामान और बहुत कुछ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आए हैं ये है एक्चुअल मेला। यहाँ पर बहुत बड़ा एक झूला लगा हुआ है और दोपहर का टाइम था, 2 बज रहा था, तो काफ़ी स्टॉल सभी बंद था। 2 बजे के बाद सारे स्टॉल्स ओपन हो जाते हैं और रात के 9 बजे तक ये मेला चलता है। तो अभी के टाइम बंद था लेकिन कुछ देर बाद ओपन हो जाता है। और इसके बाद जो रास्ता है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने के स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि उनके जो मिठाई होते हैं वही मिठाई यहाँ पर थे। और इसके बाद मैं अंदर जाके दिखाती हूँ मजर शरीफ जो है वो जगह दिखाती हूँ। तो ये जो जगह है ये है मजर शरीफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ से चद्दर और मिठाई और अगरबत्ती खरीद के सब यहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं। तो पूजा के लिए यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सब अपने हाथ पैर धोकर फिर जाके यहाँ पर प्रेयर करने जाते हैं, अंदर में दुआ करने जाते हैं। तो ये जो है मजर शरीफ है। और यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर पानी है, सब यहाँ पर हाथ मुँह धोकर फिर जाके प्रेयर करने जा रहे हैं। आप अगर आएंगे तो कोई भी यहाँ पर आकर अपनी मन की मुराद और दुआ कर सकते हैं। मतलब यह जो मैंने सुना है बहुत पावरफुल गॉड है जहाँ पर आप अपनी मन की इच्छाएं विशेस बोल सकते हैं। और इसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे एक ही जैसे स्टॉल्स हैं लेकिन अलग अलग स्टॉल्स हैं। और यहाँ पर मेनली चद्दर लिया जा रहा है। बहुत सारे कलरफुल चद्दर यहाँ पर मिल रहे थे, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थे। तो ये था आज का ब्लॉग मजर शरीफ मेले का। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखते रहें।